कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र के साथ हुई मनमानी को लेकर स्वामी चिन्मयानंद को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि उनके कबूलनामे से आहत हुआ संतसमाज एक बड़ा फैसला कर सकता है। और दूसरी तरफ यौन शोषण के बाद मांगी गई रंगदारी को लेकर पीड़ित पर भी कार्रवाई हो सकती है। 21 एकड़ में बसे चिन्मयानंद के मुमुक्ष आश्रम में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। सलाखों के भीतर अपने गुनाहों की रात काट रहे स्वामी चिन्मयानंद की रातें छोटी होने का नाम नहीं ले रही। कभी इस करवट तो कभी उस करवट स्वामी चिन्मयानंद अपने कबूलनामे का पन्ना पलटने पर मजबूर हैं। और इस पसोपेश में है कि जिस संत समाज से उनका वास्ता है वहां उनके खिलाफ अब क्या कुछ हो सकता है। देखिए, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का किया हुआ कृत्य अक्षम्य है और हम सब निंदा करते हैं उसकी, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद महाराज ने गलती स्वीकार कर ली और उन्होंने कहा कि मैं जो किया उसे मैं शर्मिंदा हूँ। अगर मानव जीवन में कोई गलती हो जाती है उसे स्वीकार करता है तो अच्छी बात है, लेकिन उनका किया कृत्य हम लोगों के लिए बहुत दुखदाई है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद स्वामी के कबूलनामे से न सिर्फ आहत है बल्कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि जब तक कोर्ट की तरफ से चिन्मयानंद को क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक साधु संत बहिष्कार का दामन थाम कर बैठे रहेंगे। लेकिन जिस लड़की द्वारा मसाज किया गया प्लान वे में, आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा, तीन लड़के गाड़ी में बैठ करके 5 करोड़ की मांग की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तूने क्यों फ़ोन किया, तूने क्यों मैसेज किया, वो लड़की पीछे बैठी हुई है। इससे साबित होता है कि प्लान वे में फंसा करके, यह वीडियो बहुत पुराना है, नया वीडियो नहीं है, उसको दिखा करके उनसे 5 करोड़ रुपये मांगने का प्रयास किया गया। चिन्मयानंद की रातों की नींद भले ही उड़ी हो लेकिन पीड़िता की परेशानी भी कम नहीं हो रही, क्योंकि 5 करोड़ की रंगदारी मामले में शक की सुई उस पर भी गहराई हुई है। यही वजह है कि उसके 3 साथियों की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी टीम चिन्मयानंद और पीड़िता के दरमियान हुई बात को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई का खाका तैयार करने में जुटी हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट।